आज आप कितने बजे से यहाँ धरने पे बैठे हुए? आज हम 3 बजे तब यहाँ पे आए थे, तब राजीव मिश्रा सर से हमारी बात हुई थी, उसके बाद हम 4 बजे से यहाँ पे धरने से बैठे हैं। तब से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी हमसे कोई संबंध में किसी संबंध में मिलने तक नहीं आया है, और आते हैं तो पुलिस कर्मचारी आते हैं, पुलिस SI आते हैं, ये हमसे मिलने के लिए आते हैं, ना किसी ने हमारी समस्या सुनी, ना किसी ने उस समस्या का निराकरण किया। तो अब आपका क्या आगे की प्लानिंग? अगर आज के दिन अगर उस जिन छात्रों की कॉपी नहीं दिखाई जाती है तो NSUI निरंतर रूप से इस धरने को चालू रखेगी और भी पदाधिकारी आके इस धरने का सहयोग करेंगे। क्या आपकी जीवा यूनिवर्सिटी प्रबंधन से मांग है, क्या आप चाहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एक भ्रष्टाचारी के रूप में आगे बढ़ती जा रही है, जैसा कि आज भ्रष्टाचारी परीक्षा भवन में चल रही है, छात्रों के साथ जो भ्रष्टाचारी और जो कॉपी उनको दिखाई जा रही है, उन कॉपियों में उनके 00 नंबर है, कॉपी वहां पे कटी हुई है, ऐसे इनके पता नहीं कौन से टीचर हैं कि जो कॉपी चेक करते हैं, कौन से नशे में कॉपी चेक करते हैं, पता नहीं पड़ता है उनका। छात्रों के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी निरंतर रूप से खिलवाड़ करती जा रही है। और आप सभी लोग NSUI की कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है आपको कि प्रबंधन की यहाँ किस प्रकार कितनी गलती है? प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है, छात्र गुना सीपुरी, सारे छात्र बाहर से आते हैं, उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है, और तानाशाही चलाते हैं अपनी, बोल दिया जाता है जो बाहर बैठते हैं वो उनसे बोलते हैं 2,000 रुपए 4,000 रुपए लगेंगे और पास कर दिया जाएगा। जब वो छात्र एक दो छात्र अंदर जाते भी वो कॉपी चेक करते हैं तो उनके कुछ नहीं, सारी राइट लगे रहते हैं, और 5 सर्कल है उनके, हर कॉपी में मैंने देखा 3 से 4 कॉपी देखी थी सारे में, हर पेज पे 5 सर्कल लगे हुए थे, और जबकि मेरे पास सबूत भी, मैं दिखा सकता हूँ अभी, दिखाना वो वीडियो भी दिखा दूंगा, मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पे, और सारे नंबर मतलब 00 नंबर रख दिए उनके, 33-33 पेज भर के आए जो छात्र, उनके भी 0 नंबर कर दिए, और मेरे पास सबूत भी है, आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं सब लोग। तो ये आपने देखा कि NSUI के छात्र आज दिन भर से ही जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ छात्रों का कहना है कि कॉपियों की जो जांच है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। फिर मैं अंदर जा रहे थे, गार्ड खड़े थे, उनको बाहर से लौटा दिया जा रहे थे कि जो होगा कल होगा, और किसी से बोले तुम्हारे पास मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, वापस जाओ कल लाना। तो हम सारे लोग जब अंदर पहुंचे, छात्रों से समस्याएं पूछी, उन्होंने सारी समस्याएं बताई, तो हम लोग अंदर पहुंचे। पहले तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा था, फिर भी हम लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने बताया कि मैं NSUI से हूं, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। तो उनसे जब बात हुई, और जब मैंने उन लोगों के छात्रों को जब सामने कॉपी दिखवाई, तो उसमें देखा गया था कि हर पेज पे 5-5 सर्कल थे, जो सही थे उन पे भी गलत कर दिया था, और सबकी सबकी सेम समस्याएं थी, सबके 0 नंबर रख दिए थे। तो उनसे बोला था कि इसमें क्या है, तो उन्होंने फोटो भी नहीं ले ली, जबकि मेरे पास सबूत हैं। तो मैंने एक लड़का पीछे खड़ा कर दिया था, उसने फोटो ले लिए थे, उन्होंने बोला कि जो कुछ होगा यूनिवर्सिटी से होगा, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी सारी टीम वो यूनिवर्सिटी में आई, और वो सारे जितने भी छात्र थे बाहर के, उनको लेके आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम राजीव मिश्रा जी सर के पास आए, तो उन्होंने बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे जो भी है DD अग्रवाल सर से होगा, आप उनके पास जाइए। और वैसे हम लोग जब ज्ञापन देने आते हैं तो राजीव मिश्रा सर हैं, वो आगे आते कि जो कुछ भी हूँ मुझे बताइए, आप लोग जो भी सारी समस्या, मैं इसका निराकरण करूंगा। लेकिन जब आज हम लोग उनके पास आए, तो उन्होंने बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, और बहाना बना के वो निकल गए। तो मैंने उनसे बोला कि जो मेरे छात्र जो बाहर से आए गुना सीपुरी से, वो क्या वापस जाएंगे, रोज अप डाउन कर पाएंगे यहाँ से? तो बोलते हैं मन के लिए गेस्ट हाउस करवा देता हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता, और बहाने बना के निकल चुके हैं। तो हम सारे लोग जितने भी NSUI के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो छात्र हैं जिनकी समस्या है, वो सारे लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का ना कोई प्रोफेसर ना कोई कुछ अभी तक अनिश्चितकालीन धरना है। हाँ, अनिश्चितकालीन धरना है, कोई भी मिलने नहीं आया। अगर मिलने आता है तो यूनिवर्सिटी के गार्ड और पुलिस प्रशासन, उनके अलावा कोई भी मिलने नहीं आ रहा है। जब तक हमारी मांग है, जब तक छात्रों को कॉपी नहीं दिखाई जाएंगी यहाँ पे, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा।